इसका मतलब ये, कल मैंने जो आपको बताया था वो ये वाला पॉइंट था, इधर एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट बिल्कुल जस्ट उसके नीचे था और इस तरह से चलती थी बात, राइट है भाई। मैंने आपको ये बताते थे ये वाला एंगल 120 120 120, माने 2π/3 के रोटेशन पे मिल सकते हैं। इवन कुछ लोग ऐसे भी देखते हैं कि 1.0 है, इस पर रोटेशन थ्योरम लगाई ओमेगा आ जाता है 2π/3 पीछे जाके, ठीक है, और 2π/3 उधर की तरफ चले जाओ तो उनके पास ओमेगा स्क्वायर आ जाता है। तो कहना मतलब दिस पॉइंट इज ओमेगा एंड दिस पॉइंट इज ओमेगा स्क्वायर, तो हमारे पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ चुका है। साथ में हम लोगों ने ये भी निकाल लिया था कि ये इसका इमेज होता है, तो कहना था ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा बार, ये भी हम लोगों ने कल बना लिया था, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे बात क्या थी, ये सारी कहानी स्टार्ट हुई थी जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 से, इसका मतलब ये है कि जेड क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, सही है ना। इसके अंदर अगर ऐसा लिखता हूँ तो मैं यहाँ कह सकता हूँ नो टर्म ऑफ जेड स्क्वायर, देख रहे हैं आप, जेड स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है। अगर जेड स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि कोफिशियंट ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बात आपके समझ में आती है। अपने कल 3 पॉइंट लिखे थे, 3 या 2 3 है ना, ये चौथा पॉइंट पाता हूँ, चौथा पॉइंट यहाँ जरा समझना, इसका मतलब कोफिशियंट ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन में जेड स्क्वायर का कोफिशियंट सम ऑफ रूट को दिखाएगा, तो इसका मतलब ये कि मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि सम ऑफ रूट, सही है ना, कितना होगा 0 होगा, और सम ऑफ रूट का मतलब होगा 1 ओमेगा प्लस की वैल्यू कितनी आ गई 0, इसीलिए 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, इसलिए नहीं कि मतलब लिख दिया गया, ठीक है, कोई ब्रह्म वाक्य नहीं है, हर चीज़ पूरा तरीके से निकली है, तो इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, इसी इक्वेशन से अगर किसी ने प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट ठीक है ना इज इक्वल टू, मैं कल मैंने सिखाया था -1 की पावर 3, क्या लिखूं, कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट, सही है ना भाई, लीडिंग कोफिशिएंट। अब -1 का क्यूब तो -1 ही है, ठीक है, और कांस्टेंट खुद टर्म क्या है, -1 अपॉन में लीडिंग कोफिशिएंट 1, तो कहना मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे लिए हो गया 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब मेरे लिए ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 1, इसीलिए हम लोग ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 कहते हैं, राइट है। अब आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी कि हमारे पास में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 3 रूट हैं, ठीक है ना, क्यूबिक के, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, और हम लोगों के पास में जो 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है वो 0 होता है, मैंने उनका सम 0 होता है, एज वेल एज ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, सही है। अच्छा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होने का मतलब ये है कि ओमेगा की पावर 3n की वैल्यू भी 1 हो गई, मैंने क्या बोला, ओमेगा की पावर 3n भी कितना हो गया 1 हो गया, जब जब भी n इंटीजर होगा ओमेगा की पावर 3n 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ओमेगा क्यूब की पावर n हो गया, फिर ओमेगा की पावर 3n बोले तो ओमेगा क्यूब की पावर n है ना, तो 1 की पावर n बोले तो 1, बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब आप ये समझो ये इस पूरे चैप्टर का गोल्डन पीरियड है। अब ये सबसे अच्छी चीज़ों में से है, क्योंकि ना इतने इंटरेस्टिंग और इतने डिफिकल्ट दिखने वाले क्वेश्चन जब इतने खटाखट सॉल्व होते हैं ना, बस आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, फिर आप तुक्के मारते हो, ये लगाते हैं और क्वेश्चन खटाखट होने सॉल्व होते हैं, यहाँ तक आ गया। अच्छा, साथ में एक और बात पे गौर कीजिएगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, RNGP कहाँ से देखा आपने, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर RNGP, इसका मतलब ये है कि रूट्स होते हैं वो हमेशा जीपी में होते हैं, सिर्फ यूनिटी के नहीं, कल भी हमने खूब सारे रूट निकाले थे, ध्यान है, हमने अपने m की वैल्यू पहले 0 डाली, फिर 1 डाली, फिर 2 डाली, आप ध्यान नहीं दे रहे थे, जब आप वैल्यू निकालोगे ना तो आपको पता चलेगा सब जीपी में आ रहे थे, वो सब जीपी में आ रहे थे और उनके आर्ग्यूमेंट एपी में चल रहे थे, आर्ग्यूमेंट एपी में चलेगा, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट कैसे एपी में चलेगा, क्योंकि 2π/3 + 2π/3 + 2π/3 हर बार 2π/3 ऐड हो रहा है, आर्ग्यूमेंट एपी में चलता है और खुद जो पूरा रूट होता है वो जीपी में चलता है, ये बात अपनी नजर में नहीं आती कभी, अपन ध्यान से देखेंगे तो अपने को बदल रहा है, इसमें बहुत बात है, ठीक है, छठी बात ये होगी, ठीक है। अच्छा, वापिस याद दिला दूं, है ना, इससे पहले कि आप भूल ही चुके हो कि ओमेगा की वैल्यू थी -1/2 + iota √3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1/2 - iota
रूट 3/2 है ना। अच्छा बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल के आती है, क्वेश्चन करते आएंगे तो ठीक है ना, जो जो भी मेरे को भी समझ में आती है ठीक है वो भी बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 7 बताता हूँ ठीक है। अच्छा आपको ये पता होगा कि मॉड ओमेगा की वैल्यू 1 है, पता है ना। कहते हैं कि जब भी मॉड जेड 1 होता है तो जेड बार इज इक्वल टू 1/z होता है, जेड बार इज इक्वल टू, तो इसका मतलब ये कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 है, इसके मतलब ओमेगा बार इज इक्वल टू 1/ω, ये भी जरूर ध्यान रखना नहीं है, है ना। और ओमेगा बार तो ओमेगा स्क्वायर है, इसका मतलब 1/ω स्क्वायर हो गया, तो कभी 1/ω करना पड़ता है तो ओमेगा स्क्वायर ले देना, ये भी आप दिमाग में रखना है ना। ये तीन बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक और बात है ना पॉइंट, इसका मतलब ये है कि रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर ठीक है। एनीवे आगे चल रहा था, हाँ भाई पॉइंट नंबर 8 एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो भी जरा ध्यान से सोचना। मैं लिखा मॉड ओमेगा माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा ठीक है ना, ये हमेशा इक्वल होते हैं। देख लिया है ना, नहीं ये क्या चीज है पता भी चला आपको, ये क्या लिखा है मॉड ओमेगा माइनस 1 का मतलब जानते हो, ओमेगा और 1 के बीच की दूरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, सारी आर्म्स लिख दी मैंने, ओमेगा और 1 के बीच की दूरी, ओमेगा स्क्वायर और 1 के बीच की दूरी, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बीच की दूरी बराबर होती है ठीक है ना। ठीक है ना, ये अपन लिख दें, ये सब क्या है साइड्स ऑफ हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल ठीक है। कुछ और छोटी छोटी बातें सोचते चलते हैं ठीक है। अब तब तक आपकी एक और जगह पे नजर डलवाता हूँ, आपने कभी अब तक की सबसे दिलचस्प समीकरण जो बहुत बार आपके सामने आई है वो कभी गौर से नहीं देखी है कि नहीं। एक इक्वेशन ये देखो x² + x + 1 कईयों बार आपके सामने से निकली, इस पर कभी आपने है ना अगर स्वामी अप्लाई किया है ना बाबा अप्लाई किया क्या, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी -1 + -√ √ के अंदर -3 लिख दूं अपॉन कितना 2, तो आपको पता नहीं है आपके पास में आने वाला है -1 + -√3/2। इसका मतलब ये कि इसके रूट्स क्या आते हैं ओमेगा, हाँ तो एक्चुअली में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके रूट्स हैं ठीक है ना। तो कुछ लोग जो हैं वो अगर ये जो अपन ने कल जो DMT वाला रास्ता ढूंढा जो नहीं जानते वो भी ऐसे आ सकते थे, इसको लिखते थे कि z+1 × ऐसे भी लिखते थे, एक रूट तो 1 मिल जाता जी, ये z-1 ठीक है, एक रूट तो 1 मिल जाता और ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर फिर दे देते नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सो बड़े ध्यान से सुनना, z³ - 1 = z-1 × z²+z+1। अब अगली लाइन तो सोच लो मैं क्या लिखने वाला हूँ, पता है आपको मैंने इसके रूट्स आपको क्या बता दिए, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा z-(z-), हाँ तैयार रहिए, बहुत सारी बातें हैं अब तो मेरे बस में ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे कुछ एक चीजें जो अगर आपको याद रह जाए तो बस मैं लिख देता हूँ राइट है भाई। पॉइंट नंबर 10 a³ - b³ = a+b ω² राइट है। नेक्स्ट इज ये कदा है a³ - b³ में a-b ठीक है ना, a-b ω² राइट है, काम की चीज है याद रख लेना।
एक और चीज, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, याद है आपको, है ना? अब इसके बारे में याद करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर, सही है? अब मुझे इसका बार बोल दो, इसका बार बोलो, ए का बार ए, वो तो कौन, वो तो रियल नंबर है, बी ओमेगा का बार बी बी ओमेगा स्क्वायर, सही है? सी ओमेगा स्क्वायर का बार बोलो सी ओमेगा, बस दे आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। सही है ना? देखो अपन ओमेगा पे इतना व्याख्यान दे रहे हैं, ओमेगा के बारे में इतनी बातें पता हो जाती हैं। राइट है, अगले पे आते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 11 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फिर भी काम का है। ओमेगा टू द पावर एन प्लस ओमेगा टू द पावर टू एन, इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू माइनस वन होती है इफ एन इज नॉट इक्वल टू थ्री जेड, ठीक है, और टू होती है इफ एन इज इक्वल टू थ्री जेड, ठीक है ना? थ्री जेड, जेड माने लेमडा लगा लो, भले आप कंफ्यूज होने से अच्छा है। एक मिनट, ये क्या लिखा है सर? ये एन इज इक्वल टू थ्री लेमडा क्या होता है? तीन का पहाड़ा। एन अगर तीन के पहाड़े में आता है जैसे नाइन, तो यहां रखो, यहां पे नाइन रखू तो ओमेगा की पावर नाइन वन, यहां रखो नाइन, ओमेगा की पावर अठारह, ओमेगा की पावर अठारह का मतलब वन की पावर सिक्स, वन की पावर सिक्स वन वन और वन टू, तो टू आ रहा है ना। अब तीन के पहाड़े में नहीं आता जैसे चार, चार को ओमेगा की पावर फोर, ओमेगा की पावर फोर प्लस ओमेगा की पावर आठ, सही है? ओमेगा की पावर फोर का मतलब ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, सोचो, और ओमेगा की पावर एट माने ओमेगा की पावर सिक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर सिक्स बोले तो और ओमेगा क्यूब बोले तो बच्चा क्या, ओमेगा प्लस एंड दैट इज माइनस वन, कई को, हाँ क्योंकि प्लस वन इज तो जीरो हो जाएगा, नहीं है? हाँ, तो इसका मतलब ये बराबर है ना, मतलब ओमेगा अगर एन जो है वो अगर तीन के पहाड़े में आता है तो आंसर टू हो जाएगा, और अगर नहीं आता है तो, अच्छा अगर बाई द वे कोई आपको ये बता दे कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, ये सही है, वन प्लस ओमेगा की पावर एन प्लस ओमेगा की पावर टू एन इज इक्वल टू जीरो जब एन तीन के पहाड़े में न आए, ठीक है, और टू वेन एन इज इक्वल टू टू नहीं वन, ठीक है, जब ये बताओ क्या समझ में आ गया आपको, क्या क्या तीन आएगा, तीन आएगा पक्का, तीन लिख दूं, श्योर है ना? ठीक है, हाँ बताओ क्या ये सही है क्या? कैसे किया? अरे इधर उधर एक एक जोड़ दिया, सोच लिया आपने, तो ये भी मार्केट में चलता है, ध्यान रखना है ना, तो आप ध्यान से समझ लेना किसको कब कैसे उठाने का है, ठीक है, सब आप जानते ही हो, ठीक है। हाँ भाई, छोटू मोटू क्वेश्चन जो आपको पता ही है वो कर लेते हैं पहले। बैठे, क्वेश्चन है, इफ फोर जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड जेड, राइट है? जरा ये क्या आपको लगता है कि मैं जो लिख के आया उसमें 2z का होल स्क्वायर प्लस जेड जेड प्लस वन की फील है, सोचो। हाँ या ना? हल्का सा क्वेश्चन में डाउट है, हल्का सा डाउट है, मैं इसको 2z करना चाह रहा हूँ, हाँ या ना? अब शायद ज्यादा अच्छा लगेगा, किसी को फील आ गई टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन वाली, तो इसके रूट्स क्या हो गए? ओमेगा और आपको पता है किसकी वैल्यू ओमेगा ही?
2z की, हाँ तो 2z is equal to omega and 2z is equal to, तो इसका मतलब क्या बोलूं कि z is equal to omega by 2 and omega square by 2, सही है, z की वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन, अगर आपको ये आ गया तो अब आप इसका b पार्ट आप कर दो, b पार्ट है z plus 1 upon z is equal to 1, ठीक है ना, fine, z to the power 2014 plus z to the power minus 2014, करिए, देखो पहला तो एक मिला लेते हैं, इससे तो आपको ये पता चली होगा z square minus z plus 1 equal to 0 है, ये पता चल गया। अच्छा मुझे जैसे ऐसी बातें पता चलती है ना, पिछला क्वेश्चन मेरी आंखों में नाचने लगता है, देखो आप, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने मेरे को 2z बताया था, ऐसा लिख दूं, और इसका आंसर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, याद है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, इसका मतलब माइनस जेड इज इक्वल टू ओमेगा कोमा, इसका मतलब जेड की वैल्यू माइनस ओमेगा कोमा, हाँ आपने ओमेगा लिया या माइनस ओमेगा लिया, नहीं ओमेगा ले लिया ना, तो ये माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर है, जेड की वैल्यू आ गई। नाउ यू नीड जेड टू द पावर 2014 प्लस जेड टू द पावर माइनस 2014, सही है क्या भाई, इसका मतलब माइनस ओमेगा की पावर कितना 2014 प्लस माइनस ओमेगा की पावर माइनस 2014, क्या ये बात सही है, माइनस का हालांकि असर नहीं पड़ रहा था, हालांकि माइनस का असर नहीं पड़ रहा, आंसर हो सकता है मेरा भी आपका भी सेम है, लेकिन अब क्या करें, क्या करें, 3 से डिवाइड करूं, ओमेगा की पावर 2014 कॉमन ले लूं, आप बोलो, तो आप बोलो बस ले लूं क्या ओमेगा की पावर 2014, अरे सोचो अंदर क्या छोड़ गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है माइनस ओमेगा, तो ये हो गया कितना माइनस ओमेगा की पावर 2015, अरे एक तो ये दे रहा है ना माइनस, वो दे रहा है प्लस में ओमेगा की पावर 2015, ओमेगा की पावर 2015 में 3 का डिवाइड मारो, इसको 3 का डिवाइड करने पे क्या आ रहा है बताओ, 3 का डिवाइड करने पर 6, बचा कितना 21, 7 बार फिर कितनी बार गया 1 टाइम्स, बचा कितना 2, तो कहने का मतलब इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, सही है, और माइनस ओमेगा स्क्वायर का मतलब कितना हो गया कुछ नहीं, माइनस ओमेगा स्क्वायर ही आंसर हो गया, है ना, सही है क्या, क्यों क्या कमी है, पता चल गया आपको, हाँ कुछ तो कमी होगी ना, कॉमन में गड़बड़ होगी, यहां पे 1 अपॉन ओमेगा, ध्यान दिया आपने नहीं देखा, अरे सोचो, अरे 1 अपॉन ओमेगा क्यों माइनस है ना, हाँ अब उधर से बोलो कितना बना ओमेगा की पावर 2014 इनटू ब्रैकेट में कितना ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, बोले तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये लिख लो, इसका मतलब कितना ओमेगा की पावर 2014, इसका मतलब कितना माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर, उड़ा दूं ओमेगा रह गया, इसका मतलब ओमेगा की पावर माइनस में ओमेगा की पावर 2013, अरे ये तो 3 से डिविजिबल है, अरे 3 से डिविजिबल है, कैसे पता चला, अरे सबका सम 3 है, सबका सम 3 से डिविजिबल है, तो कितना आंसर बोलना है माइनस 1, सही है, हटा लूं, है ना, वैसे भी पता है हालांकि अपन आए जरूर इस रास्ते से थे, लेकिन यह तरीका भी आपके लिए उतना ही सुरक्षित था कि आप इसे ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा लिख लेते डायरेक्ट, नहीं समझ में आया, इसीलिए मैं आराम से आया, मैंने इसीलिए कोई जल्दी में नहीं आया, मुझे पता था ये मैं अगर ऐसा लिखूंगा तो सिर्फ कुछ लोग ही सोच पाएंगे। अगले क्वेश्चन में इसी में सी पार्ट पर आ जाओ फटाफट से, जेड स्क्वायर प्लस जेड मॉड जेड प्लस मॉड जेड का स्क्वायर इक्वल टू 0, फाइंड जेड, हाँ भाई क्या लगता है,
इसे भी टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन की नजर से देखा, देखा जेड अपॉन मॉड जेड का होल स्क्वायर जेड अपॉन मॉड जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो नहीं है। अरे टी स्क्वायर नहीं समझ में आई, ये कैसे बना? अरे पकड़ में आ गया, इसके आंसर बोलो, अब बोलो आंसर बोलो इसका, जेड अपॉन मॉड जेड इज इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो जेड की वैल्यू कितना, मॉड जेड इनटू ओमेगा एंड मॉड जेड इनटू इस क्वेश्चन का था। अगले पास हो नेक्स्ट डी पार्ट, इसका डी पार्ट है जेड टू द पावर फोर जेड क्यूब प्लस में दे रखा है टू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड मॉड जेड, आंसर होगा ना फटाफट निकालो। मेरे हिसाब से ये पहली लाइन आपको समझ में भी नहीं आई, लेकिन अब लिखते ही मेरे शायद स्ट्राइक कर जाए। सोच लिया, अब आपको ये भी पता चल जाएगा पहले तीन में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, अंदर क्या बचा जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन और पीछे से यही, तो पूरे में से जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन कॉमन ले लू, अंदर ही अंदर बताओ क्या छूटेगा, जेड स्क्वायर प्लस वन, इसका आंसर बोलो, इसका आंसर बोल दो डायरेक्ट, आयोटा माइनस आयोटा, इतनी देर में तो मैं बोल दूंगा, अगले वाले में फिर आप अपना चांस ले लो, इसका आंसर बोल दो, ओमेगा डिमांड क्या उठी है जेड की या मॉड जेड की, तो मॉड जेड का मतलब क्या हो जाएगा, मॉड ओमेगा या मॉड ओमेगा स्क्वायर या मॉड आयोटा या मॉड माइनस आयोटा, आपको बताओ मॉड ओमेगा कितना होता है, ओमेगा की ओरिजिन से दूरी वन, इसकी इसकी आयोटा की, आयोटा की वैल्यू बोलो वन कॉमा जीरो, जीरो कॉमा वन, जीरो कॉमा इसका वैल्यू बोलो जीरो, तो ओरिजिन से दूरी सबकी कितनी वन, इसका मतलब मॉड जेड इज इक्वल टू वन। क्वेश्चन देखा अगली बार, हाँ भाई सॉल्व करके बताइए, पहली चीज ये सीखी थी इतना टाइम तो लेना ही नहीं चाहिए, इसके बाद क्या ये सीखा था कि z इज इक्वल टू ये वन इंटू सिस क्या पाई बाई फोर पाई सिस टू एम पाई प्लस पाई डिवाइड बाई और m की वैल्यू जीरो वन टू थ्री सही है, तो मैं z की वैल्यू एक एक करके रखना चालू कर दूं, सीधा सिस में तो रखनी है, जीरो रखता हूं तो सिस फाइव बाई फोर सोच लिया, और अगर बाई द वे मैं वन रखता हूं तो टू पाई प्लस पाई फाइव पाई बाई फोर सिस फाइव पाई बाई फोर, अगर मैं टू रखता हूं तो सिस फोर पाई प्लस पाई थ्री पाई बाई फोर यहां है ना, और ये फाइव पाई बाई फोर, और यहां पे देखा जाए तो सिस सेवन पाई बाई फोर खत्म, राइट है। अच्छा इसको सोच लेना, नहीं सोच लिया, इसका सोचना माइनस वन प्लस आयोटा बाई रूट टू, सोच लिया इसके अंदर माइनस वन माइनस आयोटा बाई रूट टू, इसके अंदर वन माइनस आयोटा बाई रूट टू सही है, पता चल गया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वैल्यू डालता गया मैं खटाखट, अगले क्वेश्चन बताओ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है माइनस वन प्लस आयोटा अंडर रूट थ्री बाई टू के होल पावर वन जीरो नाइन माइनस वन प्लस आयोटा अंडर रूट थ्री बाई टू की होल पावर वन जीरो नाइन,
बड़े ही ध्यान से एक छोटी सी बात पे नजर रखी किसी ने, अगर यहां दोनों पर माइनस होता तो ओमेगा स्क्वायर होता, हाँ या ना? लेकिन दोनों पे माइनस नहीं है, इसका मतलब इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस मैंने दे दिया अंदर, इसको मैंने माइनस अंदर दिया है, नहीं समझ में आया? माइनस अंदर देते ही ओमेगा स्क्वायर बन गया। अरे दोनों पे माइनस होता तो ये ओमेगा स्क्वायर होता, तो मैंने माइनस दिया तो माइनस बाहर रखूंगा तो सही, बैलेंस तो बनेगा। फिर ये कितना बन गया, 10? नहीं, माइनस में कितना, ये तो ओमेगा है ना, ओमेगा की बार 10 नहीं, सही है। अब 3 का डिवाइड मारो, 3 का डिवाइड गया कितनी बार, 108 बार। अरे 108 बार 3 का, तो बचा कितना ओमेगा, ये इसका हिसाब बताओ। ओमेगा 109 को अंदर कर लेता हूँ, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, 109 का अंदर, 2 को बाहर, 109 के लिए फिर से 108 तक तो चला गया, बचा कितना रह गया ओमेगा, ये माइनस बाहर रख दूं, ये तो प्लस कर दिया, अंदर ही अंदर क्या बचा, ओमेगा का स्क्वायर। बोले तो आंसर कितना आ गया, -1। राइट है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 1+ω - ω² 1+ω² - ω⁴ 1+ω⁴ - ω⁸ एंड 2n फैक्टर्स। ठीक है, देख लिया आपने? किसी ने सोचा कि अगर ये 1+ω तो हो जाता, लेकिन क्या आपको पता है 1+ω का मतलब माइनस, तो ये माइनस का 2ω² लिखा हुआ है। अच्छा बताएंगे 1+ω का मतलब, 1+ω² माने इसका मतलब कितना, -ω, और ये भी -ω, सोचो तो कितना हो गया, माइनस का 2ω। अच्छा रुको जरा, ये कितना लिखा है, 1+ω, सही है, 1+ω बोले तो -ω², और ये लिखा है ω^2, ω^6 तक तो 1 है, बच गया कितना 2, तो ये कितना रह गया माइनस, तो क्या लगता है ये कितना बन गया, माइनस। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, सोच लिया -2ω², अगला -2ω, फिर अगला -2ω², तो अगला -2ω, कैसे, कितनी बार, 2n फैक्टर्स। आप में सभी समझ गए होंगे क्या, n इसके n उसके, नहीं समझ में आया, इसका मतलब इट इज -2ω² / n इनटू -2ω² / n। क्या करूं बताओ, पहला काम, अरे पहले तो इन दोनों को अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई कर लूं ना, माइनस माइनस प्लस, पावर n तो बाहर लगा दूंगा ना, नहीं समझ में आया, तो कितना बोल रहे हो आप, 4 कर दूं और अंदर ही अंदर, तो आंसर कितना हो गया, 4 to the power। क्वेश्चन डन, अगले बार नहीं आया है ना, अगला क्वेश्चन बी पार्ट का, तो बी पार्ट है, देखें इसमें भी दिमाग लगाइएगा, a+b(ω) + c(ω², a ω + b(ω² + c + a ω b(ω² + c अपॉन में नीचे दे रखा है a+b(ω) + c(ω²। ऐसे जब भी क्वेश्चन दिए जाएं, आप हमेशा कोशिश करके देखा करें कि किसी एक में से ओमेगा कॉमन लेने पर काम बन जाएगा क्या। न्यूमरेटर और डिनोमेटर पढ़ा है ना, किसी भी एक में से ओमेगा जिसमें आपको पसंद है कॉमन ले लो, शायद काम बन जाता है। जैसे नीचे वाले में से ओमेगा कॉमन ले लेता हूँ, ले लूँ, ए तो बन गया, क्या रह गया यहाँ, b(ω) + c/ω, आपको पता है 1/ω, ओमेगा स्क्वायर होता है, सही है ना, और ऊपर क्या लिखा है a+b(ω) + c(ω², कट गया क्या, नहीं समझ में आया, पास वाला आप कर लो, फिर क्या। अगला प्रश्न है ना,
हाँ भाई, कितना आंसर आ रहा है इसका? इसमें क्या, किसमें कॉमन लिया, ऊपर वाले में से नीचे में से? ओमेगा कॉमन ले लिया, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी बाई ओमेगा। नीचे क्या चल रहा था? ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। और आपको तो पता होगा ये और ये, तो फाइनली मेरे पास कितना रह गया? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, बोले तो माइनस वन। क्वेश्चन डन, अगले पे आ जाता है, राइट है? नहीं, अगला क्वेश्चन ये देखो। हाँ भाई, ये पता चल गया कहाँ तक गया है? दिमाग लगाओ। खोपड़ी चलाओ। ये पता चला आपको? अरे सही है, आपने आज ही पढ़ा है कहीं। जेड की पावर एन प्लस वन अपॉन जेड की पावर एन, नहीं लिख दूं? बड़े ही ध्यान से सुनना और मेरे को बताना, जेड की जगह मैं ओमेगा रख सकता हूं कि नहीं? जेड की जगह मैं ओमेगा रख सकता हूं कि नहीं? क्योंकि मेरे को जेड के नाम पे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर सब रखने की छूट है, तो मैं यहां पे क्यों नहीं रखूंगा? ओमेगा की पावर एन प्लस वन अपॉन ओमेगा की पावर एन, बोले तो ओमेगा की पावर एन प्लस ओमेगा बाय टू एन। कितना था, कितना कितना था सोचो? हाँ, ऊपर नीचे कब? एन तीन का पहाड़ा नहीं, और एन तीन की टेबल में आता है। अब दोबारा दिमाग लगाओ और बताओ अब क्या क्या लिखना है, कब कब लिखना है। मैं तैयार बैठा हूं, आपको तो पता ही होगा ये z की पावर n है हमारे लिए। अब हमारे लिए कोई z स्क्वायर नहीं बचा। अरे z की पावर n है ना, ये पहाड़े में आता है वन, हाँ के ना? वन तीन के पहाड़े में आता है, तो इसकी जगह पे क्या लगेगा? कितना? माइनस वन। पहले वाले के लिए तो आ जाएगा माइनस वन का स्क्वायर, सोच लिया? अगले वाला टू तीन के पहाड़े में आता है क्या, तो इसकी जगह भी लगेगा। आया अगला, तो क्या लगाऊं? टू का स्क्वायर, हाँ या ना? अब सोचो 27 तक कितनी बार? नौ बार। नहीं आया समझ में? तो इनटू 9 ही कर दूं, समझ में आया? और बाकी 18 बार, बाकी 18 बार माइनस वन का स्क्वायर आएगा। नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया? कितनी? 18 बार। अरे नहीं समझ में आया? अरे 9 बार तो तीन का पहाड़ा लग गया, और बाकी टाइम पे माइनस वन 18 बार, तो आंसर कितना? 54। चलो ठीक है ना। हाँ भाई, बहुत अल्टी क्वेश्चन होते हैं, अल्टी क्वेश्चन मतलब अगला फिर दिमाग लगाने के लिए तैयार। रेडी? डीप आ जाओ। 2 माइनस ओमेगा, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 इंटू 3 माइनस ओमेगा, 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस डैट डैट डैश एन माइनस वन एन माइनस ओमेगा इंटू एन माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, ऐसे देखोगे लगेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा, दोबारा खुद भी ट्राई करोगे तो एक बार झटका लगेगा, नोट्स पढ़ के देखोगे आपको समझ में आने लग जाएंगी चीज़ें। यहाँ तक इस बात समझ में आ रही है? इस ये कितने ब्रैकेट हैं, ये कितने हैं, इसको भूल गए? ये कितने हैं? तो पहले वाला आदमी दो क्यों लेके बैठा है? उसमें भी तीन होने थे ना, पहले तो वन देखो, ठीक है ना? ऐसे मत दिखाना, ऐसे करना और लिखना छुपा हुआ था। बात समझ में आ गया? हाँ, नहीं आएगा नहीं, पकड़ में नहीं आता ना। अब सब ब्रैकेट में तीन तीन है, ठीक है? अगर आप इसको क्वेश्चन को देखते रहोगे ना, साथ जिंदगी में नहीं समझ में आएगा कि करना क्या है। सीधा आखिरी सटाक। अब आप देखो पहली लाइन, इस सबकी जगह लिख रहा हूं समेशन एन इंटो एन, नहीं एन माइनस वन इंटो एन माइनस ओमेगा स्क्वायर एन माइनस ओमेगा स्क्वायर। एन की वैल्यू कहां से दौड़ी?
वन से, टू से, नहीं तो फिर वन कहां से आएगा? एन की वैल्यू कहां से दौड़ी? टू से लेके कहां तक? एन तक। नहीं पकड़ में आया? एन की वैल्यू टू रखोगे तब ये वन आएगा जो छुपा हुआ था। नहीं पकड़ में आ रहा आपके? समझ में नहीं आया? एन की वैल्यू टू रखो कम से कम तब ये पहला ब्रैकेट खुलेगा। एन की वैल्यू थ्री रखने पर ये खुल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? तो एन की वैल्यू ऐसे चलती है ना। आपने क्या किया, और मैंने अगली लाइन में लिख दिया एन क्यूब माइनस वन। कहां से? नोट्स देखो, लिखा होगा मैंने जेड माइनस वन। पकड़ो देखो, जेड क्यूब माइनस वन को ब्रेक किया था। जेड माइनस वन, जेड माइनस ओमेगा, जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखा था कि नहीं? तो मैं एन क्यूब माइनस वन क्यों नहीं लिख सकता? और एन की वैल्यू कहां से कहां तक? दो से लेके अंत तक। इसका मतलब समेशन एन क्यूब, समेशन एन क्यूब बोले तो एन इंटू पाई क्यू का होल स्क्वायर, सही है? अच्छा, माइनस वन का समेशन एन लिख लूं, लेकिन ये तो वन से होता है, हाँ या ना? तो कितना कम कर दूं? माइनस में कुछ कम भी तो करना पड़ेगा। कितना कम करूं? वन रख दूं? अगर वन होता तो वन होने क्या कुछ कमी नहीं होगा क्या? मतलब होगा, क्या कम करना है वही तो बता रहे हो ना आप लोग। दिमाग लगा रहे हो आप लोग, गहरा दिमाग लगाओ कि आखिरकार किसका कितना बचाऊं। ये तो कॉपी कर लो, तब तक आपका दिमाग आपका चलता रहेगा, मुझे भी बता देना। हाँ भाई, बोलो, मुझे अच्छा लगेगा अगर आपने बता दिया तो। वन टू, ये कह रहा है जीरो, एक जना देखो सुनो, इसका फर्स्ट टर्म जीरो है। आप एन इज इक्वल टू वन ले लो ना, जीरो आ रहा है तो जीरो जोड़ लो, जीरो घटा लो। नहीं समझ में आया? बस इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इस पूरी खेल को चालू करने से पहले लिख देना फर्स्ट टर्म जीरो है। तो दिख नहीं रही तब भी ये काम करेगा, क्यों? क्योंकि आप वन से चालू करोगे, ठीक है? तो ये घटा घटी का चक्कर नहीं रहेगा। बात समझ में आई? वन से चालू करो ना, मस्त रहो, क्योंकि वन पे जो टर्म आ रही है वो जीरो है, तो आपके कोई दर्द भी नहीं है। ऐसी कोई टर्म नहीं आ रही जिसमें आपको चक्कर आ जाए, सीधा जीरो आ रहा है तो आने दो फिर, तो जीरो तो जोड़वा लेंगे हम लोग। और वैसे भी पता नहीं आपने से किसी ने काउंट करके भी देखा था, ठीक है? वन रखने पे जीरो आ भी रहा है, देखो ना, तो आप जीरो घटा सकते थे। वन रख करके देखो ना, एन की जगह वन रखो इसमें, आप तो एन की जगह वन रखो इसमें, जीरो आ रहा है तो जीरो घटा लो ना, बाद में जीरो घटा लो। नहीं समझ में आएगा आपको, यहां तक आ गया या नहीं आया? आ गया। हाँ भाई, इसके बाद के पॉइंट पे आ जाओ फटाफट से। बहुत मुश्किल काम है यार आपको समझा के चलना। हाँ भाई, पॉइंट नंबर ई, सिंप्लीफाई ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर मॉड। मजा आ जाएगा आप अगर सोच जाओ तो, मतलब आपका दिमाग जल सकता है। सोच जाओगे, रेडी? नहीं, आप जलने से बचाओगे, देखो आग लगा दूंगा। अच्छा चलो, इससे पहले कि आप आग लगा दो, क्या आप ये जानते हो कि ये लिखा है जिसको आपने सिंप्लीफाई करने को दिया, मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, याद आया? मॉड जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड बार, याद आया? तो क्या लिख दूं? ए प्लस बी ओमेगा इंटो ए प्लस बी प्लस
ए ओमेगा पक्का, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बोलो, ए स्क्वायर सोच सकते हो प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस माइनस सी ए, याद आया आपको? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब के फैक्टर, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए होता है। नहीं पकड़ में आया आपके? पकड़ ही नहीं आया। अब आप अगर चाहो तो, अगर आपके दिमाग में नहीं आया तो भी मेरे लिए मस्त है, अगर आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो फिर से दिमाग लगा। जो ये लिखा है इसी के साथ में मैं मल्टीप्लीकेशन के अंदर, याद है ना बेसिक मैथमेटिक्स में सिखाते हैं हम लोग इतना आपको चिल्ला चिल्ला करके, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी। अब तो ठीक है, नहीं आया, अब क्या बनेगा? अपॉन, सोच लिया? अब जो बचेगा तो मैं लिख के रहूंगा, नहीं अब आपको कौन समझाए, याद कैसे दिलाए बताओ? ये तो क्या है, तो फिर ये कितना होगा? रूट ओवर, यस दैट्स इट। आपको पता नहीं है कि इसके फैक्टर्स ए प्लस बी प्लस सी इंटू ये होता है, याद करो आप। चलो जो भी, अब तो याद हो ही गया, ठीक है, लास्ट, ठीक है। ये ओमेगा की बातें समझ में आई थोड़ी बहुत? बहुत, ये पता है टफेस्ट से टफेस्ट साइड है, मतलब आप इसके पार आपको कुछ मिलेगा नहीं। आप ये सोच रहे हो कि मतलब भयंकर, क्या भयंकर, कुछ नहीं है, खत्म, लास्ट लिमिट आ गई इसकी, ठीक है। लास्ट पॉइंट है nth रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट के बाद रन फॉर यूनिटी। हाँ भाई, nth रूट ऑफ यूनिटी, हाँ भाई, कितने लोग बता सकते हैं कि सर शुरुआत में लिखो z क्यूब इज इक्वल टू 1 की जगह z टू द पावर इज इक्वल टू 1, इसका सीधा मतलब z इज इक्वल टू, इसका मतलब 1 की जगह पर सिस 0, नहीं है 1 इंटू सिस 0, 0 की जगह 2n पाई प्लस 0 डिवाइड बाय n, और m की वैल्यू कहां से कहां तक टांग दूं, 0 1 2 3 से लेकर के n माइनस 1 तक, क्या ये बात पकड़ में आ गई? अगर n माइनस 1 तक लेके जा रहा हूं तो एक एक करके वैल्यू लगा दूं, अगर मैंने 0 रख दिया तो पहली वैल्यू आ जाएगी सिस 0, राइट है क्या भाई? थोड़ा आप सिस से हट जाऊं तो भी चलेगा, e की पावर आइटम में चल लूं, ठीक है ना। अब आपको तो पता ही है कि सिस का मतलब e की पावर आइटा ही होता है, बस आपको तो ये वैल्यू बोलते जाना है। जब मैं m की जगह 0 रखता हूं तो e टू द पावर आयोटा 0 कॉमा e टू द पावर आयोटा 1 रखने पर 2 पाई बाय n, लिख दूं 2 पाई बाय n, अगला e टू द पावर आयोटा 4 पाई बाय n, सोचो अगला e टू द पावर आयोटा 6 पाई बाय n, अगला e टू द पावर आयोटा, अच्छा गुड, और ऐसे बढ़ते बढ़ते e टू द पावर आयोटा m माइनस 1 2m माइनस 1 2n माइनस 1 आयोटा बाय n, सही है भाई? अच्छा ये टोटल कितने रूट्स आए? n रूट्स, ठीक है ना भाई, ये सब के साथ n रूट्स हैं, और हम लोग इसी की तलाश में n रूट ऑफ यूनिटी डाले हैं। अच्छा, जिसमें से आपको एक पता ही है कि ये जो e की पावर आयोटा 0 है ये लिखो या 1 लिखो, एक की बात है। e की पावर आयोटा 0 माने cos 0 प्लस आयोटा sin 0, ये 1 है, और बाकी सब e में चलेंगे, तो इसका मतलब फर्स्ट रूट इज 1, यहां तक की बात पकड़ में आ गई? तो ये सब रूट इसमें इसमें। अच्छा अब एक और बात बताना, मतलब सोचने की है, क्या ऐसा सही है क्या? 1 e स्क्वायर e टू द पावर 4 e टू द पावर 6 e टू द पावर 8, ऐसे मैं आपको दिखा दूं तो आप बता सकते हैं हर बार किसकी मल्टीप्लाई हो रही है? पक्का? अगर मैं इसमें e स्क्वायर की मल्टीप्लाई करूंगा तो e की पावर 4 आएगा, e की पावर 4 में भी अगर मैं e स्क्वायर की मल्टीप्लाई करता हूं तो ये दोनों ऐड होते हैं क्या? ये मल्टीप्लाई होते हैं, तो अगर ये e स्क्वायर की मल्टीप्लाई पे ही आएगा,
और ई स्क्वायर की मल्टीप्लाई भी आएगा। इसका मतलब ये कि हर बार, ध्यान से देखो, मैं हर बार किसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2π/n मल्टीप्लाइड, हाँ या ना, 2π/n मल्टीप्लाइड, ये लिख रहा हूँ। अगर ये 2π/n मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये कि दे आर फॉर्मिंग अ जीपी, इसका मतलब ये कि रूट्स आर ऑलवेज इन जीपी। लेकिन अगर मैं सिर्फ आर्ग्यूमेंट की बात करूं, आर्ग्यूमेंट कहाँ है पता भी है, ये है आर्ग्यूमेंट। अब ई का कोई रोल नहीं है, 2π/n, 4π/n, 6π/n, 8π/n, ये किस में है, ये एपी में है। आपके नजर इस छोटी, मैं पहले अपन 1ω² को इतने अच्छे से समझ चुके हैं कि आपके दिमाग में काफी हद तक मैं स्लॉट काट चुका हूं, तो बॉल सही पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, ये भी यूनिट सर्कल पे बनेगा, राइट है, ये भी कहां बनेगा, यूनिट सर्कल पे बनेगा। इतनी छोटी सी बात आप समझ के चलना, रेडी। हाँ भाई आइए, नोट माने रिमार्क या इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसमें चलते हैं फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। बस आप लिखते चलना है ना, क्योंकि फटाफट से वहां पे कॉपी कर लें। रेडी, हम ये फर्स्ट पॉइंट लिखेगा, nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, मैं रुकूं। हाँ भाई, nth रूट ऑफ यूनिटी ऑलवेज फॉर्म, ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी ऑलवेज फॉर्म जीपी, ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी ऑलवेज फॉर्म जीपी विद कॉमन रेशियो ए टू द पावर आयोटा 2π/n, ठीक है ना, विद ए टू द पावर आयोटा 2π/n। एक थोड़ा सा पंगा है, ए टू द पावर आयोटा लू या आयोटा हटा लू, आयोटा हटा लू, है ना, मेरे को भी लगा था इस बच्चे ने, ठीक है ना, ऑलवेज फॉर्म ए टू द पावर 2π/n, सही है। आगे लिखेगा ना, सेकेंड पॉइंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ argument of roots of nth root of unity, argument of roots of nth roots of unity always form AP, always form AP, लिख लिया, ठीक है। उसके बाद में लिखना e to the power iota 2π/n, e to the power iota 4π/n, ऐसे बढ़ते बढ़ते e to the power iota 2n-1 पाई डिवाइड बाई एन, और इसमें ये लिखना, इट इज वन, इट इज अल्फा वन, ठीक है, इट इज अल्फा टू, डैट डैश इट इज अल्फा एन, ठीक है, अल्फा वन, अल्फा एन माइनस वन, ठीक है, और इसके आगे लिखना वन, ये अल्फा, ये अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा क्यूब, एंड डैट डैश अल्फा टू द पावर एन माइनस वन, बस ऐसे लिख देना, ठीक है। अरे रूट्स एंड रूट्स काम दिल लगा रहे हो इसमें, ठीक है। पॉइंट नंबर कितना था, थर्ड, थर्ड में लिखेगा सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है ना, सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू जीरो, कारण पता है, कारण पता है, जेड की पावर एन माइनस वन का टर्म ही नहीं है, पहले तो लिख लो इज इक्वल टू जीरो, पहले तो आप इस पर दिमाग लगाओ, ठीक है, नहीं आया समझ में, आपको पता है हमने शुरुआत कैसी करी थी, इससे जो जेड की पावर एन माइनस वन है ही नहीं, सम ऑफ रूट तो उसके पास था, कोफिशिएंट तो उसका जीरो है, नहीं है, सम ऑफ रूट का लिखना है, सम ऑफ रूट ऑफ एनथ रूट, सम ऑफ एनथ रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब 1 प्लस अल्फा स्क्वायर सबका सम जीरो, सही है ना। अब इस पे बात होगी और बहुत बड़ी बात होगी, 1 प्लस, देखो इन सबका सम जीरो बोल रहा है, लेकिन मैं ये तो बोल ही नहीं रहा, मैं तो लिख रहा हूँ 1 प्लस सिस 2π/n प्लस सिस 4π/n प्लस सिस 6π/n, सही है भाई, एंड डैट डैश कितना सिस, ठीक है ना, 2n-1 π/n, आयोटा किधर गया, ठीक है, बराबर, यहां तक की बात पकड़ में आ गई, इज इक्वल टू
जीरो, अगर आपको ये सब जीरो पकड़ में आ गया तो आगे सुनिएगा, वन प्लस समेशन सिस, रेडी, अंदर लिख रहा हूं टू के पाई डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू जीरो। आप मुझे बता रहे हो के की वैल्यू वन से लेकर के ये एन माइनस वन इधर है, हाँ कहां तक इज इक्वल टू जीरो, एन माइनस वन है ना, नहीं समझ में आया, आगे भी सुनो। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो सुनते जाओ, राइट है। अब जो मैं लिख रहा हूं हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे, थोड़ी देर में लेकिन सब बढ़ जाएगा। वन प्लस कॉस टू के पाई बाई एन समेशन, ठीक है ना भाई, के इज इक्वल टू वन से लेकर के एन माइनस वन, सुना, इज इक्वल टू जीरो एंड समेशन साइन टू के पाई बाई एन के इज इक्वल टू वन से लेके एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। खो गए यहां, ये पकड़ में आया क्या लिखा है, सेस को खोल दिया, सेस को खोलते ही कॉस टू के पाई बाई एन प्लस आयोटा साइन टू के पाई बाई एन, हाँ या ना, कॉस वाला समीशन के साथ अलग कर दिया क्योंकि रियल पार्ट, अरे किसी का ओवरऑल जीरो आ रहा है तो रियल पार्ट भी जीरो और हाँ इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट इक्वल टू जीरो एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू जीरो, नहीं आया समझ में, तो इमेजिनरी पार्ट तो जीरो करा था आयोटा हटा लिया, साइन वाले पार्टी को जीरो करवा दी तो जीरो बन, इधर की तरफ से मेरे को लेकिन शानदार मौका मिल रहा है कॉस टू के पाई बाई एन के की वैल्यू वन से लेकर के एन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन बोलने का, राइट है, और इधर से मेरे को जीरो बोलने का मौका मिला, सही है। अगले पाई का हाँ भाई, यहां तक की बात पकड़ में आ गई, ठीक है ना। अगला एक्सपॉइंट पॉइंट नंबर चार, बहुत ही काम की चीज है, तो सीधा क्वेश्चन करेगी अपने लिए, ठीक है, आईटी में भी क्वेश्चन बनाएगी ये वाली बात, और साथ में हमारी शीट के अंदर भी बड़े बड़े क्वेश्चन खटाखट खटाखट सॉल्व करेगी, ठीक है ना। अच्छा हाँ भाई, अगला पॉइंट, अगला है पॉइंट नंबर चार, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, हाँ भाई प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट बोलो, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कितना चिपका दू वन, श्योर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट इज इक्वल वन, एन के ऊपर असर नहीं पड़ता, एन का कोई लेना देना नहीं क्या, सोचो ना आप तो आराम से जवाब देना, इतनी क्या जल्दी नहीं, आप सोच के बोलो ना, कोई फर्क नहीं है, देखो एक किसी के काम करते हैं, आपसे एक बात पूछता हूँ, जेड की पावर फोर इज इक्वल टू वन के रूट बोल सकते हो कोई गलत, जेड इज इक्वल टू वन माइनस वन आयोटा, अच्छा अब इन सब का इसका प्रोडक्ट माइनस वन और इसका प्रोडक्ट वन, तो प्रोडक्ट तो माइनस वन आ गया, हाँ यही तो मेरे को सुनना है। अब जरा जेड क्यूब इज इक्वल टू वन पे सोचो, जेड क्यूब इज इक्वल टू वन अगर मैं लेता हूं, नहीं है आपको पता है पहले एक सेकंड, अरे सोच तो तुम इससे रहे हो ना, इससे ही सोचा ना, हाँ सही सोचा, लेकिन पूरी बात सोच, जेड टू बार एन माइनस वन इक्वल टू जीरो है, तो हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एन, नहीं लिखते माइनस वन टू द बार एन इंटू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट, ये तो लिखते हैं, तो माइनस वन टू द बार एन इंटू कॉन्स्टेंट टर्म इज माइनस वन एंड लीडिंग कोफिशिएंट इज वन, तो ओवरऑल इट इज माइनस वन टू द बार एन प्लस वन। अब बताओ माइनस वन टू द बार एन प्लस वन, जब ये एन इवन होगा तब तो जैसे जीरो रखो तब तो ये माइनस वन आ जाएगा, और ऑड होगा जैसे वन रखो तो वन हो जाएगा, नहीं है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू कितना माइनस वन एंड वन, माइनस वन कब जब एन इज इक्वल टू
इवन, और ये कब, जब एन इज इक्वल टू ऑड, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर पांच, nth रूट ऑफ यूनिटी ऑलवेज, nth रूट ऑफ यूनिटी ऑलवेज लाई ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस वन, nth रूट ऑफ यूनिटी ऑलवेज लाई ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस वन, लिख लिया, nth रूट ऑफ यूनिटी ऑलवेज लाई ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस वन, nth रूट ऑफ यूनिटी ऑलवेज लाई ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस वन, ठीक है। यूनिट सर्कल बोलने के जरिए रेडियस वन समझ में आ गया, ठीक है। एंड मॉड जेड इज इक्वल टू वन, इसी के अंदर लिखना, ब्रैकेट में लिखना मॉड जेड इज इक्वल टू वन, ठीक है। आगे लिखेगा एंड फॉर्म एफ ओ आर एम, एंड फॉर्म एन साइडेड पॉलीगन, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, लिख दिया है, है ना। अगर ऐसा है तो बस इन्हें एक फोटो बना दो पहले, यूनिट सर्कल पॉलीगन के लिए, ये वाला पहला रूट अल्फा वन, ये रहा दूसरा रूट अल्फा टू, ये रहा तीसरा रूट अल्फा थ्री, है ना। बाकी तो अपने को दिमाग लगाना ही नहीं है, ये पॉलीगन दिखा दो बस हल्का सा, ये जा रहा है ये पॉलीगन, और इधर से आता हुआ दिखा दो, सही है, बात समझ में आ गई। इधर क्या करना, ये तो पॉलीगन पॉलीगन बना हुआ है, आपको क्या मतलब, इधर ये वाला पॉइंट इज वन, यहां से वन है ना, और इधर अल्फा एन माइनस वन, ये कौन है सर, अरे ये लिखे थे ना रूट्स के नाम, लिखे थे ना वन अल्फा वन अल्फा टू से लेकर कहां तक अल्फा एन माइनस वन, समझ में आया, सेम चीज कॉपी कर रहा हूँ, कुछ नहीं खास। अब एक और बात, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगा, ये इसके जस्ट नीचे, ये इसके जस्ट नीचे, वो इसके जस्ट नीचे होगा, आई बात समझ में, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के बाहर होंगे एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, समझ में आया। तो इसका मतलब ये कि आप पहले ये फोटो बना लो, फोटो बनाने के बाद, हाँ ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है बट वी नीड टूगेदर, कल को पता नहीं कौन सी बात कब कहाँ से आ जाए, तो मैंने कहा पहले से पढ़ी होगी ना तो अपन समझ जाएंगे कि चलो ठीक है, ओके टॉलरेबल है। इसी के नीचे लिख देना अल्फा वन कॉमा अल्फा एन माइनस वन, अल्फा टू कॉमा अल्फा एन माइनस टू आर कॉन्जुगेट टू इच अदर, आर कॉन्जुगेट टू इच अदर, लिख दिया। क्वेश्चन में लिखिएगा मॉड में देगा जेड प्लस वन अपन जेड की पावर एन इज इक्वल टू वन, देन प्रूव दैट रूट्स आर कोलिनियर, ठीक है, रूट्स आर कोलिनियर, देन रूट्स आर कोलिनियर, देन प्रूव दैट रूट्स आर कोलिनियर। भाई अगर ये वन है तो इसका मॉड भी वन ही होगा, भाई अगर जेड टू दोबारा एन वन होता है तो उसका मॉड जेड टू दोबारा एन भी वन होता है, किसी का पावर एन अगर वन है तो उसका खुद का भी वैल्यू भी वन है, इसका मतलब मैं यहाँ तक इसका मॉड जेड प्लस वन इज इक्वल टू मॉड जेड। अगर आपको पता है किसके बारे में बात हो गई, मजा आ जाएगा आप सोच जाओ तो। चलो एक दो पॉइंट रिहा दिलाता हूँ, एक पॉइंट तो ओरिजन है और दूसरा पॉइंट वन कॉमा जीरो है, ना रे माइनस वन कॉमा जीरो है, और ये कहाँ है, जेड कहाँ है भाई, जेड की दोनों से दूरियां बराबर है, कहाँ है फिर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भूल गए क्या, हाँ देखा मान जाते हो आजकल, ठीक है तो लिख दीजिएगा इट इज लोकस ऑफ, इट इज लोकस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो कोलिनियर है ही, ऑब्वियस ही बात है, नहीं आई बात समझ में आपके, आ गया अगले क्वेश्चन लास्ट, ठीक है। अब तो ये चैप्टर तो वैसे खत्म ही हो गया पूरा, ठीक है। हाँ भाई समेशन में आए एम इज इक्वल टू वन से लेकर के सिक्स तक, ठीक है भाई, आपको ही सोच के जवाब देना है, साइन 2m pi by 7 माइनस में दे रखा है आयोटा cos 2m pi by 7, सही है भाई, खोपड़ी लगाओ बताओ मेरे को आंसर क्या होगा, कितने लोगों का, हाँ बोलो क्या करना है, इसको जीरो खटा, याद आया
अरे तो जीरो है और आगा माइनस में आल्टा इसका माइनस वन। अरे अभी तो सिखाया खत्म, माइनस वन आंसर कितना हो गया आयोटा। इसमें थोड़ी ना इतनी देर लगती है, अरे करा तो था अभी, एक फार्मूला बताया तो था। हाँ ये लोग दो दो पेज में करें तो क्या मतलब है, ठीक है ये तो यहां जाकर के चैप्टर फिनिश।